कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म तेरा अपना कर्म। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑल ऑफ यू लिसन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इट इज द प्रज्ञा सिंह न्यू लेसन। एंड इसमें दो तीन नंबर की चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत तेज खत्म हो जाएंगी, आप ध्यान से देखिएगा, लेकिन कल से नहीं है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ध्यान से समझिए, क्लियर हो जाएगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। देखिए बेटा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक लेसन्स बताने से पहले एक जो है वर्ड्स आपको बताना चाहूँगा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ऑल द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स एज कंप्यूटर, टेलीफोन, कंप्यूटर, फैन, एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, एनी इलेक्ट्रिकल मशीन्स आर डिपेंडेंट ऑन अ स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट, एंड दैट इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट इज शोन इन एज अ फिगर विच इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इन शॉर्ट, लिसन मी शॉर्टली, working and configuration of any electrical device can be set up in a form that is known as electronic circuit। कहने का मतलब फैन हो या टीवी हो या कंप्यूटर हो, इन सब के वर्क करने का जो प्रोसीजर है, इनमें जो आपकी जो है सर्किट बनी हुई है करंट वगैरह की फ्लो की, वो सब को हम जिस जो है फॉर्म से शुरू करते हैं उससे को हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहते हैं। जैसे अगर कभी मिस्त्री वगैरह हमारे यहाँ कुछ बनाने आता है तो देखते हो वो ढक्कन वगैरह पर कुछ बना देखता है कि इधर से वायर गया, इधर से वायर गया है, यहाँ स्विच है, तो उसे समझ लेता है कि हाँ कैसे इसकी वर्किंग होगी, कैसे वर्क कर रहा होगा। और आज के समय में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं सबकी सर्किट पहले ही बनी रहती है, दिखाया रहता है, तो मिस्त्री वगैरह उसी को देख करके वर्क कर लेते हैं, उसका समझ लेते हैं क्या प्रॉब्लम है, कैसे वर्क कर रहा है, कैसे नहीं। शॉर्ट कट में समझो, जैसे आपके घर में तमाम उपकरण या डिवाइसेस लगी हैं तो इनकी वायरिंग हुई है कि एक वायर इधर गया है, एक वायर इधर, एक स्विच इधर है, बल्ब यहाँ है, फैन यहाँ है, तो उस वायरिंग का जो डायग्राम अगर हम कॉपी पर बना के आपको दिखा दें, डायग्राम बना दें कि यहाँ पर स्विच बोर्ड है, यहाँ पर फैन है, यहाँ पर जो है हीटर लगा हुआ है, यहाँ पर बल्ब है, उसी डायग्राम को हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहते हैं। ठीक है, तो अ फिगर बाय विच कॉन्फ़िगरेशन एंड वर्किंग ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस रिप्रेजेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। माने किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के वर्किंग और कंस्ट्रक्शन को शो करने वाला जो डायग्राम होता है वही क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की वर्किंग और कॉन्फ़िगरेशन को शो करने वाला, रिप्रेजेंट करने वाला डायग्राम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज अ सच टाइप ऑफ डायग्राम विच रिप्रेजेंट वर्किंग एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मीन्स अ डायग्राम by which configuration and working is represented
of any electrical device is represented. ठीक है, तो ध्यान से सुनिए जरा. A diagram by which configuration and working of any electrical device is represented is known as electronic circuit. Okay? And there are two type of electronic circuit. हम अपनी सरलता के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को टू टाइप में बांट कर पढ़ते हैं और यहीं से हमारा कोर्स स्टार्ट है. इस लेसन की स्टार्टिंग अब यहाँ से है जो दोनों प्रकार के सर्किट को बताते हैं. वैसे बेटा एक लेसन पढ़ाए थे सिंपल सर्किट, उसमें भी हम आपको सर्किट की डिफिनीशन बताए थे कि एन अरेंजमेंट बाई विच इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कॉन्फ़िगरेशन एंड वर्किंग सोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. तो यहाँ आप समझ रहे हो कि सच टाइप ऑफ डायग्राम विच रिप्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन एंड वर्किंग ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. ओके बेटा, जिस डायग्राम के द्वारा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की वर्किंग या कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन हो, प्रकट हो, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहते हैं. इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आर ऑफ टू टाइप्स. इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के. देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. पहला सर्किट क्या है जान लीजिए, दूसरा क्या है? एनालॉग सर्किट्स एंड डिजिटल सर्किट्स. देयर आर टू टाइप ऑफ सर्किट्स, एनालॉग सर्किट्स एंड डिजिटल सर्किट्स. देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, एनालॉग सर्किट्स एंड डिजिटल सर्किट्स. यहीं से हमारा ये लेसन स्टार्ट है. व्हाट इज द एनालॉग सर्किट्स? ठीक है, सच टाइप ऑफ सर्किट्स इन विच वोल्टेज आर करंट हैज मोर वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर नोन एज एनालॉग सर्किट्स. मतलब बेटा, अगर हम कोई एक ऐसी डिवाइस ले लें और उस डिवाइस में हम करंट फ्लो होते हुए देखें, लेकिन हम देखें 9 बजे करंट 4 एम्पियर, फिर 10 बजे करंट 5 एम्पियर, फिर 11 बजे करंट 6 एम्पियर. मीन्स देयर आर सो मेनी वैल्यूज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जिस सर्किट में करंट की टाइम के सापेक्ष कई वैल्यूज प्राप्त हो, तो ऐसे सर्किट को एनालॉग सर्किट कहते हैं. चाहे करंट की कई वैल्यूज प्राप्त हो और चाहे वोल्टेज की कई वैल्यूज प्राप्त हो, ऐसे ही सर्किट को हम कौन सा सर्किट कहते हैं? एनालॉग सर्किट. सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स इन विच टाइम आर वोल्टेज हैज मोर वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर कॉल्ड एनालॉग सर्किट. ओके बेटा, सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स which have more values of voltage or current with respect to time are known as analog circuits. Analog circuit ऐसे सर्किट होते हैं जिसमें करंट या वोल्टेज का टाइम के सापेक्ष कई सारे मान मिलते हो, बहुत सारे मान आते हो, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? एनालॉग सर्किट्स. एनालॉग सर्किट्स आर ऑफ टू टाइप्स, वोल्टेज एनालॉग सर्किट्स एंड करंट एनालॉग सर्किट्स. अब इनकी डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सच टाइप ऑफ एनालॉग सर्किट्स इन विच वोल्टेज हैव मोर वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर कॉल्ड वोल्टेज एनालॉग सर्किट. एंड सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स व्हिच हैव करंट हैव मोर वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर नोन एज करंट एनालॉग सर्किट. सो एंड दीज वैल्यूज ऑफ वोल्टेज आर करंट आर नोन एज एनालॉग सिग्नल्स. ओके, एक बार फिर से बताएं बेटा, सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स फॉर विच वोल्टेज आर करंट हैव मोर वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टाइम आर कॉल्ड एनालॉग सर्किट्स. एंड द वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज आर नोन एज एनालॉग सिग्नल्स. ठीक है, उन वैल्यूज को क्या कहते हैं? एनालॉग सिग्नल्स. आर ऑफ टू टाइप्स. एनालॉग सिग्नल्स कितने प्रकार के होते हैं? वोल्टेज एनालॉग सिग्नल्स, वोल्टेज एनालॉग सर्किट. ठीक है, वोल्टेज एनालॉग सर्किट्स और बेटा करंट एनालॉग
सर्किट सर। ठीक, व्हाट इज वोल्टेज एनालॉग सर्किट डिफाइन कर सकते हो? सच टाइप ऑफ एनालॉग सर्किट फॉर विच वोल्टेज हैव मोर वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वोल्टेज एनालॉग सर्किट, एंड सच टाइप ऑफ सर्किट फॉर विच करंट हैव मोर वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर कॉल्ड करंट एनालॉग सर्किट। ठीक है ना बेटा? और द वैल्यूज इन दिस केस आर नोन एज वोल्टेज एनालॉग सिग्नल एंड इन दिस केस करंट एनालॉग सिग्नल। और इनकी फिगर बनाना हो तो लुक लाइक दिस। यहां बेटा वोल्टेज और यहां टाइम। लुक दिस फिगर, इन दिस फिगर वोल्टेज है मोर वैल्यूज 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट 10 वोल्ट 9 8 7 वोल्टेज कई वैल्यूज है कि नहीं? किसके सापेक्ष? टाइम के। तो ये कौन सा सर्किट है? वोल्टेज एनालॉग सर्किट। और ये जो वैल्यूज है वो क्या कहलाएंगी? वोल्टेज एनालॉग सिग्नल। और यहाँ बेटा इसकी भी फिगर बता दो। यहाँ क्या है बच्चों? और यहाँ नाउ इट इज क्लियर। सच टाइप ऑफ डायग्राम विच शोज कॉन्फ़िगरेशन एंड वर्किंग ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज नोन एज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आर ऑफ टू टाइप्स, एनालॉग सर्किट्स एंड डिजिटल सर्किट्स। व्हाट इज एनालॉग सर्किट्स? एनालॉग सर्किट मीन सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स इन विच वोल्टेज और करंट है मोर वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर कॉल्ड एनालॉग सर्किट। एंड द वैल्यूज ऑफ वोल्टेज और करंट्स आर नोन एज वोल्टेज और करंट एनालॉग सिग्नल। एंड दिस टाइप ऑफ सर्किट्स एनालॉग सर्किट्स आर ऑफ टू टाइप्स, वोल्टेज एनालॉग सर्किट्स एंड करंट एनालॉग सर्किट्स। सच टाइप ऑफ एनालॉग सर्किट्स इन विच वोल्टेज है मोर वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू टाइम are known as voltage analog circuit, and such type of analog circuit for which current has more values with respect to time are known as current analog circuit, and the values of each current is known as current analog signal, and in this case values of each voltage is known as voltage analog signal. Okay beta, now digital circuit. Such type of electronic circuit, listen me, such type of electronic circuit for which वोल्टेज और करंट हैव ओनली टू वैल्यूज। सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फॉर विच वोल्टेज और करंट हैव ओनली टू वैल्यूज आर कॉल्ड डिजिटल सर्किट। ओके, आर कॉल्ड डिजिटल एंड द वैल्यूज आर नोन एज डिजिटल सिग्नल्स। एंड देयर आर टू टाइप ऑफ डिजिटल सर्किट्स, वन इज नोन एज वोल्टेज डिजिटल सिग्नल्स सर्किट्स, वोल्टेज डिजिटल सर्किट्स, एंड अनदर इज नोन एज करंट डिजिटल सर्किट्स। ओके, स्विच हमारी जो होती है ऑन होगी या ऑफ होगी, इट हैज ओनली टू वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऑन या ऑफ। तो इसलिए ऐसे इसका सर्किट जो बनेगा वो कौन सा सर्किट होगा बेटा? डिजिटल सर्किट। हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज, ऑन या ऑफ, ये इस तरह के जिसमें जिन डिवाइसों में केवल दो ही कंडीशन बनती हो उस तरह के सर्किट को हम डिजिटल सर्किट कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फॉर विच वोल्टेज और करंट है ओनली टू वैल्यूज आर नोन एज डिजिटल सर्किट्स। डिजिटल सर्किट्स आर ऑफ टू टाइप्स, वोल्टेज डिजिटल सर्किट्स एंड करंट डिजिटल सर्किट्स। व्हाट्स आर द वोल्टेज डिजिटल सर्किट्स? एक्सप्लेन कर सकते हो? सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स फॉर विच वोल्टेज हैव टू वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, एंड सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स फॉर विच करंट हैव टू वैल्यूज
with respect to time are called current digital circuits, and the values are known as current digital signals and voltage digital signals. Look like this. यहाँ बेटा वोल्टेज का टू वैल्यू जीरो हाई प्योर टू वैल्यू इट्स क्लियर समझ आया बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉजिक गेट वैसे तो लॉजिक गेट मुश्किल से चार लाइन में इसकी डेफिनेशन है लेकिन बेटा कोई चीज तब तक नहीं समझ में आती जब तक कि आजू बाजू की चीजें आपको क्लियर ना रहे लॉजिक शब्द जो है ध्यान से समझिए लॉजिक शब्द की जो है हिंदी होती है तर्क लॉजिकल मैथ हम लोग पढ़ते हैं लॉजिकल मैथ आप जब जो है एग्जाम देते हो कभी कुछ ही कंपटीशन का तो किसी भी कंपटीशन में एक स्पेशल पेपर होता है रीजनिंग का जो रीजनिंग का पेपर होता है वो लॉजिकल मैथ ही होती है कि उसमें मैथ के फार्मूले वगैरह के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा माइंड भी सेटअप करना होता है वही चीज़ यहाँ इस्तेमाल होनी है एक तो एग्जाम्पल दें आपको तो आप क्लियर हो जाओगे जैसे अगर अभी लॉजिकल मैथ का मतलब मैथ भी रहे और लॉजिक के साथ मैथ रहे ठीक है तो वो तभी सॉल्व हो सकती है जबकि आप एक्स्ट्रा माइंड का यूज करो इसी को हम रीजनिंग भी कहते हैं रीजनिंग जो पढ़ते हैं हम लोग वही चीज़ है जैसे बेटा अगर कहा जाए कभी कभी जो है छोटे बच्चों से क्वेश्चन किया जाता है कि एक पेड़ पर 10 कबूतर बैठे थे और एक आदमी ने बंदूक से एक कबूतर को निशाना लगाया एक कबूतर को मार गिराया बताओ पेड़ पर कितने कबूतर बचे तो मैथ अगर केवल हो यहाँ पर तो आपको समझ में आएगा कि 10 कबूतर में एक कबूतर मार दिया तो 9 कबूतर बचे होंगे लेकिन लॉजिकल मैथ लगाओगे तो बंदूक का जब फायर हुआ तो आवाज से वहां कोई कबूतर नहीं बचेगा सारे के सारे उड़ जाएंगे तो लॉजिकल मैथ हुई ना कि कोई नहीं बचा तो यहाँ पर इट्स लॉजिक या लॉजिकल मैथ ये रीजनिंग मैथ है बिना लॉजिक लगाए बिना एक्स्ट्रा माइंड सेटअप किए आप नहीं बता सकते ऐसे ही बेटा अगर कहते हैं कि एक तालाब में 10 मछलियाँ थी एक मछली मर गई तालाब में कितनी मछलियाँ बची तो 10 ही बची है जो मरी है उसकी डेड बॉडी भी तालाब में ही है फेंकी नहीं गई है तो 10 की 10 बची है तो लॉजिकल मैथ मैंने मैथ से अगर सेटअप करोगे तो आंसर क्रिएट नहीं हो सकता तो वही यहाँ जो है बेटा जो लॉजिकल स्टेटमेंट होते हैं तर्क संगत कथन उन पर आधारित गणित से फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ लॉजिकल स्टेटमेंट पर डिपेंडेंट जो है यहाँ फिजिक्स चलने जा रही है जो तर्क संगत कथनों पर आधारित होगी सबसे पहले एक और एग्जांपल समझ लीजिए कि जैसे बेटा तमाम हमारी जो डिजिटल डिवाइसेस हैं किसी भी डिजिटल डिवाइसेस में 3 पार्ट्स होते हैं इनपुट आउटपुट और बीच में प्रोसेसिंग वाला पार्ट हमारा कंप्यूटर होता है हम उसको कोई क्वेश्चन देते हैं इनपुट करते हैं कीबोर्ड से या माउस से और अंदर कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है उस प्रश्न का आंसर ढूंढा जाता है जो आंसर मिलता है मॉनिटर पर दिखा देता है आउटपुट हो जाता है आपने इनपुट दिया प्रोसेसिंग हुई आउटपुट मिला तो इस तरह से ये डिजिटल मशीन है जो कि जो है किसी भी मैटर को सॉल्व करके आपको आउटपुट दे दे जो आपने इनपुट दिया था ऐसे ही जो वर्किंग इस तरह से जिन मशीनों को होगी वे डिजिटल मशीन्स होंगी जूस मेकर मशीन या संतरे वाली मशीन है उसमें आप संतरा गिव अप किए प्रोसेसिंग हुई आउटपुट में जूस मिल गया इनपुट आउटपुट उसमें भी है तो वह भी डिजिटल मशीन्स है अब बच्चों आप जूस मेकर मशीन को ही देख लो अगर ये डिजिटल मशीन आप बहुत देर तक किसी दुकान पर बैठकर देखते रहो कि वो जो है 2 मौसमी डालता है फिर इतना जूस निकलता है 4 मौसमी डालता है इतना जूस काफ़ी देर तक देखते रहोगे तो आप निश्चित तौर पे इतना इंडियन लोग होशियार होते हैं इनपुट और आउटपुट के बीच में
कोई लॉजिकल स्टेटमेंट जरूर आप दे लोगे, मतलब यू हैव सम स्टेटमेंट इन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, मीन्स देयर विल बी सम लॉजिकल रिलेशन क्रिएटेड इन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। कहने का मतलब हिंदी में आ जाओ कि अगर बहुत देर तक आप उस मशीन को जो डिजिटल मशीन है देखते रहो तो आप इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई लॉजिक जरूर सेट कर लोगे। कहोगे सर चार मौसम्मी बराबर एक गिलास, चार मौसम्मी डालता है तो गिलास रस निकलता है, छह मौसम्मी डालता है दो गिलास रस निकलता है, आप कोई लॉजिक या लॉजिकल रिलेशन जरूर क्रिएट कर लोगे किनके बीच में, इनपुट और आउटपुट के बीच में। तो इसी को लैंग्वेज में अगर बोला जाए प्रज्ञान सिंह, इनपुट और आउटपुट टर्म्स के बीच जो लॉजिकल रिलेशन सेटअप होता है उसे ही हम लॉजिक गेट कहते हैं। जो आपने इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन खोज लिया उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, लॉजिक गेट। कुछ विशेष बातें जानो तो फिर स्पेशल बता रहा हूं। लॉजिकल रिलेशन इन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज शोन बाई लॉजिक गेट। लॉजिक गेट इज अ सच टाइप ऑफ गेट बाई विच देयर विल बी अ रिलेशन शोज इन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, जिस जो है गेट के द्वारा इनपुट और आउटपुट के बीच जो है लॉजिकल स्टेटमेंट या लॉजिकल रिलेशन रिप्रेजेंट हो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, लॉजिक गेट। ठीक है, इनपुट और आउटपुट के बीच लॉजिकल रिलेशन शो होना ही लॉजिक गेट होता है। अब लॉजिक गेट की दो तीन खासियत है, इन सबको मिलाकर इसकी डिफिनेशन बनती है। क्या खासियत है, दुनिया का कोई भी लॉजिक गेट बनेगा, फॉर ईच टाइप ऑफ लॉजिक गेट देयर विल बी वन आर मोर देन वन इनपुट टर्मिनल्स, मतलब किसी भी लॉजिक गेट में एक या एक से अधिक इनपुट टर्मिनल हो सकते हैं। कंप्यूटर में हमारा इनपुट टर्मिनल दो नहीं है, एक तो माउस भी है या कीबोर्ड भी है, दो तरह से वर्क कर सकते हो। बट इन ईच टाइप ऑफ लॉजिक गेट देयर विल बी ओनली एंड ओनली वन आउटपुट टर्मिनल, मतलब दुनिया का कोई भी लॉजिक गेट होगा तो हमेशा एक ही आउटपुट टर्मिनल उसमें होगा। इनपुट टर्मिनल कितने हो सकते हैं, एक या एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट टर्मिनल हमेशा क्या होगा बेटा, एक। डेफिनेशन पढ़ना है, याद करना बस बेटा। और लॉजिक गेट तीन प्रकार के होते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट, आर गेट एंड गेट एंड नॉट गेट। देयर आर ओनली थ्री टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स, आर गेट एंड गेट एंड नॉट गेट, एंड ईच टाइप ऑफ लॉजिक गेट कैन बी एक्सप्लेन इन द टर्म ऑफ बुलियन कंसोनेंट या बुलियन एक्सप्रेशन एंड विद ट्रुथ टेबल। मतलब यहां ध्यान समझो जरा, लॉजिकल रिलेशन समझो, ध्यान दो, लॉजिकल रिलेशन इन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज नोन एज लॉजिक गेट। यही बताया बेटा, लॉजिकल रिलेशन इन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज नोन एज, उसके बाद क्या बताया बेटा, जानवी बताया कि लॉजिक गेट इन ईच टाइप ऑफ लॉजिक गेट देयर विल बी ओनली वन आउटपुट टर्मिनल, वन आउटपुट टर्मिनल। आउटपुट टर्मिनल कितने होंगे किसी भी लॉजिक गेट में बेटा, चाहे जैसा लॉजिक गेट होगा हमेशा आउटपुट टर्मिनल कितने हो सकते हैं, एक, और वन आर मोर इनपुट टर्मिनल। इनपुट टर्मिनल कितने हो सकते हैं, और बेटा किसी भी लॉजिक गेट का जो है हम एक्सप्रेस करें, एक्सप्लेन करें किसी भी लॉजिक गेट को बताने के लिए, जैसे प्रज्ञान का एड्रेस बताना हो तो किस स्टेट के हैं ये, किस जिले के हैं और इनका मोहल्ला नंबर, ये सब लिखना पड़ता है। तो ऐसे किसी भी लॉजिक गेट को एक्सप्लेन करने के लिए ट्रुथ टेबल बतानी पड़ती है। क्या बतानी पड़ती है बेटा, ट्रुथ टेबल। अभी बताएंगे क्या है, बुलियन एक्सप्रेशन ठीक है,
बुलियन एक्सप्रेशन और लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन माने सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन। तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है एंड देयर आर ओनली थ्री टाइप ऑफ लॉजिक गेट्स, कौन कौन? आर गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। अब सबको इकट्ठा बोल दो तो लॉजिक गेट की डेफिनेशन हो जाएगी सबको मिला करके। ठीक, कैसे बेटा? हेडिंग डाल दिया हमने लॉजिक गेट। ओके, लॉजिकल रिलेशन इन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज शोन बाय लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, आर गेट, एंड गेट, नॉट गेट। ईच टाइप ऑफ लॉजिक गेट कंटेन्स ओनली वन आउटपुट टर्मिनल्स। ईच टाइप ऑफ लॉजिक गेट्स कंटेन वन आर मोर देन वन इनपुट टर्मिनल्स एंड ईच टाइप ऑफ लॉजिक गेट्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाई द बुलियन एक्सप्रेशन, बाय द ट्रूथ टेबल एंड बाय द सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन। तीनों चीजें बताना हो जब तक किसी भी लॉजिक गेट का डिस्क्रिप्शन हो पाएगा। बात समझ में आई है? तो अब ये तीनों चीजें पहले हम अलग अलग एक्सप्लेन कर दें आपको कि ये है क्या, तब आप जो है इनमें लॉजिक गेट को समझा पाओगे। सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन मतलब उस लॉजिक गेट का सिंबल, जैसे बेटा आप पीछे ट्रांजिस्टर का सिंबल पढ़े थे या पीएन जंक्शन डायोड का पढ़े थे, तो वैसे हर गेट का सिंबल होता है। इस गेट का भी, इस गेट का भी और इस गेट का भी सिंबलिक फिगर आपको याद रखनी है। बिना सिंबलिक फिगर याद किए आप वैल्यू नहीं बता पाओगे। सिंबलिक फिगर याद रहे, एक नंबर का कभी कभी सिंबलिक फिगर याद करना रहता है। आर गेट के सिंबल्स या आर गेट का सिंबलिक फिगर देख लीजिए जरा। A and B, there are two input terminals and only one output terminals and it is the symbolic figure of OR gate. There will be two input terminal and only one output terminal in OR gate. Okay? AND gate में देखो बेटा, एक नंबर का क्वेश्चन ये जो है लॉजिकल गेट का सिंबल। In AND gate, there will be two input terminal A and B and only one output terminal 1. It's the symbolic figure of AND gate. And in NOT logic gate, there will be only one input terminal and only one output terminal. And these are the symbolic figure of OR gate, AND gate and NOT gate. तो symbolic representation clear हो गया बेटा। उसके बाद truth table क्या है, boolean expression क्या है, ठीक है, ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। तो boolean expression और truth table, तो पहले boolean algebra हम आपको समझाएं। boolean algebra A famous scientist, Mr. जॉर्ज हुल invented a special type of algebra which is based on logical statements known as Boolean algebra. नहीं समझे बेटा? A famous mathematician, जॉर्ज हुल invented a special type of algebra which is based on logical statements एंड इज कॉल्ड बुलियन अलजेब्रा। जॉर्ज बुल नाम के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ ने एक ऐसी अलजेब्रा बनाई जो कि लॉजिकल स्टेटमेंट पर डिपेंडेंट थी, मतलब जिसमें लॉजिकल स्टेटमेंट का कैलकुलेशन या लॉजिकल स्टेटमेंट पे सवालें लगती थी, और उसे हम क्या कहें बेटा, बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, एंड दिस अलजेब्रा इज डिपेंडेंट ऑन द लॉजिकल स्टेटमेंट। ये जो है लॉजिकल स्टेटमेंट पे डिपेंड थी। लॉजिकल स्टेटमेंट मीन्स जैसे टू टाइप के स्टेटमेंट, यस नो, हाई लो, ऑन ऑफ, एंड देयर विल बी टू
कंसोनेंट्स विच आर यूज इन बुलियन अलजेब्रा। दो प्रकार के कंसोनेंट्स हैं जो बुलियन अलजेब्रा में यूज किए गए हैं, एक कंसोनेंट जीरो था और दूसरा कंसोनेंट वन था, ठीक है। मीन्स बाइनरी सिस्टम, अगर आप पढ़े हो मैथमेटिक्स का बाइनरी सिस्टम, उसको भी पढ़ा देंगे, जीरो और वन, उसमें दो नंबर्स होते हैं। जैसे हम 10 डिजिटल नंबर पढ़ते हैं जिसमें जीरो से लेकर 9 तक नंबर होते हैं, वैसे बाइनरी नंबर सिस्टम होता है जिसमें केवल दो डिजिट होती है, जीरो और वन, कंप्यूटर वाली जो मैथ होती है, बाइनरी सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा, इस बुलियन अलजेब्रा में केवल कितने कंसोनेंट थे, जैसे हमारी अलजेब्रा में कंसोनेंट है एक्स से लेकर जेड तक, वन से लेकर के पता नहीं कितने तक, तो वैसे इसमें केवल कितने कंसोनेंट थे, दो, जीरो और वन। और इन कंसोनेंट का जो रिलेशन से तीसरा कंसोनेंट आता था उसे हम बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से समझो जरा, फेमस मैथमेटिशियन जॉर्ज बुल इन्वेंटेड ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रा विच इज बेस्ड ऑन लॉजिकल स्टेटमेंट। लॉजिकल स्टेटमेंट पर डिपेंडेंट एक स्पेशल टाइप की अलजेब्रा का खोज किया जॉर्ज बुल ने, जिनमें जो है दो केवल कंसोनेंट थे, दो कंसोनेंट, जीरो और वन, मीन्स केवल दो नंबरों के आधार पर ये पूरी इनकी बीजगणित थी, जीरो और वन पर इनकी पूरी की पूरी गणित चलती थी। एंड अ रिलेशन इन बिटवीन इन दीज टू एक्सप्रेशन इन दीज टू कंसोनेंट फार्मिंग नेक्स्ट रिलेशन या नेक्स्ट कंसोनेंट इज नोन एज बुलियन एक्सप्रेशन। जैसे हम लोग पढ़ते हैं एक्स और वाई के बीच का संबंध एक्स अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता, तो वैसे इन दोनों नंबर का जो इनका जो है रिलेशन था उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, बुलियन एक्सप्रेशन। और जैसे हम अपनी मैथ में ऑपरेशंस पढ़ते हैं, एडिशन प्लस मल्टीप्लिकेशन इनटू माइनस सिंबल माइनस, वैसे इन बुलियन एक्सप्रेशन ऐड करना माने प्लस करने को ये आर कहते थे। क्या कहते थे बेटा, आर मीन्स प्लस करना, और मल्टीप्लाई करने को, इनटू करने को एंड, माइनस को ये नॉट बोलते थे। दीज आर द ऑपरेशंस विच आर यूज्ड इन बुलियन अलजेब्रा, ठीक है। बुलियन अलजेब्रा में जो ऑपरेशंस यूज होते थे वो क्या थे, आर एंड और नॉट। आर यूज फॉर प्लस, एंड यूज फॉर इनटू, नॉट यूज फॉर माइनस, समझ आया। अब बच्चों इनका जो है बुलियन एक्सप्रेशन, तो ये दोनों टर्मिनल की वैल्यूज मिल करके ये आता है, इसका बुलियन एक्सप्रेशन होता है ए आर बी इक्वल्स वाई, या इसको ए प्लस बी इक्वल्स वाई ऐसे भी पढ़ा जाता है। ए यहाँ प्लस नहीं पढ़ेंगे, आर, ए आर बी इक्वल्स वाई, और यहाँ बेटा ए, इसको क्या पढ़ेंगे, एंड, ए एंड बी इक्वल्स वाई, और इसमें बोलते हैं स्पेशल नॉट ए इक्वल्स वाई, ठीक है बेटा। तो आपने देखा कि किसी भी लॉजिक गेट को बताने के लिए सबसे पहले उसका सिंबल चाहिए, सिंबल याद हो गया तीनों गेट का, आर गेट का सिंबल ऐसा, एंड गेट का सिंबल ऐसा, नॉट गेट का सिंबल ऐसा, फिर उसके बाद सबका क्या याद रखो बेटा, बुलियन एक्सप्रेशन। देखो हम इसको बता दिए, फिर बुलियन एक्सप्रेशन याद करो, आर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या लिखे हैं, ए आर बी इक्वल्स वाई, ये क्या लिखे हैं, ए आर बी इक्वल्स वाई, और एंड गेट का ए एंड बी, एंड ऐसे बनता है ए एंड बी इक्वल्स वाई, और इसको क्या लिखे बेटा, नॉट ए इक्वल्स वाई, इधर क्लियर। तो कितनी चीजें जान गए बेटा, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन जान गए, बुलियन एक्सप्रेशन जान गए, अभी क्या जरूरत है बेटा ट्रुथ टेबल की। तो ट्रुथ टेबल मीन्स सच टाइप ऑफ टेबल विच रिप्रेजेंट ऑल द इनपुट एंड आउटपुट वैल्यूज ऑफ एनी लॉजिक गेट, नहीं समझे, फिर से बताएं हिंदी में बताएं, कि एक ऐसी टेबल जिसके द्वारा इनपुट और आउटपुट टर्मिनलों की सारी वैल्यूज रिप्रेजेंट हो उसे ही हम जो है ट्रुथ टेबल कहते हैं। सच टाइप ऑफ टेबल बाय विच ऑल द इनपुट एंड आउटपुट वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड
ऑफ एनी लॉजिक गेट, किसी लॉजिक गेट में इनपुट और आउटपुट की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने वाला टेबल क्या कहलाती है? ट्रुथ टेबल। जैसे जो है एक टेबल हम बना के दिखा रहे हैं, देखो ऐसे यहां लिखते हैं इनपुट और यहां क्या लिखते हैं बेटा आउटपुट। इनपुट हमारे दो हैं ए और बी, प्रज्ञा ध्यान देना। आर गेट का बनाना चाहते हैं और हमने बताया कि इसमें केवल कितने जो है नंबर यूज होते हैं, दो, जीरो और वन, जीरो और वन, इसके अलावा नहीं। तो देखो दो टर्मिनल है ए और बी, इनकी कितनी कंडीशन हो सकती है, ए भी जीरो कर दे, बी भी जीरो कर दे, ए जीरो कर दे बेटा, बी जीरो कर दे, ठीक, ए जीरो कर दे, बी हो सकता है वन कर दे, या ए वन कर दे, बी जीरो कर दे, एक और कर सकते हैं, दोनों वन वन कर दे। अब आउटपुट बताओ, जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस वन, वन प्लस जीरो, वन प्लस वन, वन, दो होता ही नहीं इसमें, देर आर ओनली टू नंबर जीरो है इधर, ओके, इट इज द ट्रुथ टेबल फॉर आर गेट। अगर अभी एंड गेट के लिए ट्रुथ टेबल बनाने को कहे तब बेटा सेम फिगर है, इनपुट ए बी आउटपुट ऐसे, लेकिन जीरो इंटू जीरो यहाँ इंटू करेंगे जीरो, यहाँ ट्रुथ टेबल बन जाएगी कि नहीं किसकी? अब बता रहे हैं तुमको क्वेश्चन क्या पूछता है, पूछता है गिव द बुलियन एक्सप्रेशन एंड सिंबलिक फिगर एंड ट्रुथ टेबल ऑफ दिस गेट। क्या तो आर गेट का पूछेगा या तो एंड गेट का या तो नॉट गेट का? तो आप देखो ये सब क्या है, सिंबलिक फिगर, ये क्या है, बुलियन एक्सप्रेशन, सबका बुलियन एक्सप्रेशन याद हो गया, आर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन कैसा है, ए आर बी इक्वल्स वाई, एंड गेट का ए एंड बी इक्वल्स वाई, नॉट गेट का नॉट ए इक्वल्स वाई, क्लियर है, फिगर भी क्लियर है। उसके बाद क्या बताना है, ये हो गया बुलियन एक्सप्रेशन, हो गया ट्रुथ टेबल, आर गेट की ट्रुथ टेबल बना लोगे, याद हो गए कि नहीं? अभी मैं एक चीज और बताऊंगा जिससे आपको ये भूलेगा नहीं, ठीक है, ये दोनों स्विच समझ लो, ये स्विच है और ये बल्ब है, जलना है, जैसे ये स्विच ऑफ है, ये भी स्विच ऑफ है, तो ना तो करंट इधर से आ रहा है ना तो करंट इधर से, तो बल्ब बुझी रहेगी कि नहीं? स्विच ऑफ कंडीशन माने जीरो और स्विच ऑन कंडीशन माने वन, ठीक है, तो जब ये दोनों जीरो है तो ये भी जीरो, ए जीरो बी जीरो जीरो, अब ये स्विच ऑफ है इससे करंट नहीं आ रही, लेकिन ये स्विच ऑन हो गई, तो जब ये स्विच ऑन हो गई करंट इससे आएगी कि नहीं, ऑन रहेगा माने ये वन रहेगा, ऐसे ही ए आन करके ये आप कर दे तो ये वन हो जाएगा, ये जीरो तो भी ये आन रहेगा, और दोनों आन कर दे माने दोनों आन कर दे तो भी ये आन रहेगा, इधर चल जाए तो ट्रिपल याद हो गए कि नहीं बेटा? सही सही है, रेशन फिनिश हो गया, ठीक है। आपको बुलियन एक्सप्रेशन पूछता, केवल बुलियन एक्सप्रेशन, ट्रुथ टेबल और जो है लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, यही तीन चीजें पूछता है बेटा, तीनों चीजें इसकी क्लियर हो गई। कभी कभी कहता है कि दो गेट जोड़ते हैं तो तीसरा गेट बनता है, तो फिलहाल जो ज़्यादा कोर्स में है इसलिए हम काम भर की चीज़ें ही बता रहे हैं, इसमें नैंड गेट और नॉट गेट, ये जो नॉट गेट है यही इसमें जुड़ता है एंड में, तो एंड का भी यह लग जाता है नैंड, और यही नॉट गेट जब जो है आर गेट में जुड़ता है तो आर क्या यह लिखता है नॉट, तो कुल पाँच गेट हो जाते हैं, इन तीनों के अलावा नॉट और नैंड गेट भी, ठीक है, तो कल लिखा देंगे, समझ आ जाएगा।